नमस्कार, रियल लाइफ रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आंवले का गुड़ वाला जैम। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है और इसे गुड़ में बनाने से और भी पौष्टिक हो जाएगा और इसे डायबिटीज पेशेंट भी आसानी से खा सकेंगे। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम आंवला। इसे मैंने धोकर साफ कर लिया है। अब हम इसे बॉयल करेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। पानी डालने के बाद हम गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई को गैस के ऊपर रखेंगे। आंवला हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और ये सर्दियों में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब हम इस पर ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटाकर इसे चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं आंवला हमारा अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है, इसमें दरारें आ चुकी हैं। अब हम इसे ठंडा करके इसका जो बीज है उसे हम अलग कर लेंगे। मैंने बीज को अलग कर लिया है। अब हम लेंगे एक ग्राइंडर जार और उसमें इसे डालकर मोटा दरदरा पेस्ट बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, हम इसे बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। मैंने आंवले का पेस्ट बना लिया है। अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। यहाँ मैंने 300 ग्राम आंवले का पेस्ट बना करके लिया है। इसी के साथ हम लेंगे 300 ग्राम गुड़। मैंने सफ़ेद वाला गुड़ लिया है। आप भी कोशिश करें कि सफ़ेद वाला ही गुड़ लें। ये मैंने लिया है 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। 1 चाय की चम्मच हम लेंगे काला नमक। 1/2 छोटा चम्मच हम लेंगे गरम मसाला पाउडर। अब हम गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखेंगे। कढ़ाई गर्म होते ही हम उसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच घी। आंवले का जैम आप चीनी डालकर भी बना सकते हैं। चीनी वाला जैम की रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, वहाँ से भी आप उसे देख सकते हैं। घी हमारा मेल्ट हो चुका है। घी के मेल्ट होते ही हम उसमें जो सारे मसाले हैं उसे डाल देंगे। मसाला डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें हम गुड़ को डाल करके पकाएंगे। गुड़ डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी हम गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। गुड़ मेल्ट होने लगा है, इसे हमें बराबर चलाते हुए मेल्ट कर लेना है। गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें आंवले का पेस्ट डाल देंगे और इसे बराबर चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करके इसे पकाएंगे। आंवले के पेस्ट को हमें गुड़ के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। गैस का फ्लेम मैंने अभी भी मीडियम पर ही रखा हुआ है। अगर इसे हम तेज आंच पे पकाते हैं तो फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, इसलिए इस सारे प्रोसेस को हम मीडियम आंच पे ही करेंगे। गुड़ और आंवला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इसी तरह मिलाते हुए हम इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 8 से 10 दाने किशमिश। आप चाहे तो अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। इस तरीके से आंवले का जैम बनाना बहुत ही आसान है और ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद भी है। इसे हम बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं और इसे बच्चे और बड़े सभी खा सकते हैं। खास करके जो शुगर पेशेंट है उनके लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि ये गुड़ का बना हुआ है। चीनी का मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। इसे हमें गाढ़ा होने तक पका लेना है। ये गाढ़ा हो चुका है, जैम हमारा बनकर तैयार है। इसे हम सर्व करेंगे। लीजिए, तैयार है आंवले का गुड़ वाला जैम, हेल्दी और टेस्टी। तो कैसा लगा ये हमारा वीडियो? अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और फेसबुक पर हमें फॉलो करें।